जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वे बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। वे आपके वर्तमान को तो खराब करना ही चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे अपील होगी, याद रखना, वर्तमान को तो ठीक करना ही करना है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए एक ऐसी सुदृढ़ नींव का निर्माण करिए कोई माफिया फिर से आपकी व्यवस्था में हावी ना होने पाए, उसको फिर से सिर उठाने का अवसर न मिलने पाए। और इसके लिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा, विकास की इस धारा के साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास का नारा दिया है, उस अभियान को मैं गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करना है। जैसे मां विंध्यवासिनी का धाम आज चमक रहा है, देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, जैसे आज मिर्जापुर जनपद 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन तरीके से जुड़ चुका है, जैसे यहां मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और नर्सिंग कॉलेज का निर्माण तेजी के साथ आगे बढ़ा है, जैसे हर घर नल की योजना तेजी के साथ आगे बढ़ी है, ऐसे विकास का यह क्रम, यह सिलसिला अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए एक ओर हम आए हैं और दूसरी तरफ मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, पहले निराश्रित महिलाएं यानी विधवा महिला, बुजुर्ग महिलाओं, दिव्यांग जनों को पेंशन का लाभ बहुत कम मिलता था, आज हम 12,000 रुपए सालाना उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं, 1 करोड़ परिवारों को सुविधा दी जा रही है। और मैं फिर प्रशासन से कहूंगा, जिन लोगों के पास पात्रता है लेकिन पेंशन नहीं मिल पा रही है, तत्काल चौपाल लगा करके, कैंप लगा करके उन्हें सुविधा का लाभ तत्काल उपलब्ध करवाने का काम करना चाहिए।